everyone, welcome to my YouTube channel. So, आज के इस वीडियो में ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं बट इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं इस वार्डरोब का मेकओवर. लाइक इस वार्डरोब में जितनी भी चीजें हैं वो सारी मेरी हैं, तो हम इसको अच्छे से सेटल करेंगे ताकि हमें कोई भी चीज अगर ढूंढनी हो तो अच्छे से मिल सके. तो यही सब आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं. आप सभी को बहुत मजा आएगा इस वीडियो में क्योंकि कुछ फन चीजें भी हो सकती है इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून. और चलिए अब चलते हैं इस वार्डरोब की तरफ. तो हम करते हैं इस वार्डरोब का कंप्लीट सेटअप अच्छे से. सो जैसा कि मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दिया है कि मैं इस वार्डरोब को वापस से सेटअप करने वाली हूँ. वैसे तो ये काफी ज्यादा सेट हो रखी है ऑलरेडी क्योंकि मम्मी ने हर चीज को क्लीन किया है और इसको सेट किया था. बट मेरे जो जैसे कि आप देख पा रहे हो काफी ज्यादा सेटअप है ऑलरेडी, बट मेरे जो लाइट ब्लू कपड़े हैं और जो मैं रेगुलर बेसिस पे पहनने वाले कपड़े हैं उन सबको मम्मी ने क्या मिक्स कर दिया है. तो मैं उन सबको अलग अलग करके अलग अलग कंपार्टमेंट में रख के उसको सेटअप करने वाली हूँ ताकि वो मुझे इजीली मिल जाए और कभी भी कहीं पर भी जाना हो तो जल्दी से मैं निकाल के और वेयर करके और अपना एंजॉयमेंट कर सकूँ. ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं. तो इस वीडियो में आने वाला आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा. तो चलिए शुरू करते हैं इस वार्डरोब का मेकओवर करना. इसका लाइक सब चीज़ें पहले बाहर निकाल के उसके बाद में इसको वापस से हम सेट करेंगे. तो शुरू करते हैं इसका सेटअप. इतने कपड़े होने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है पहनने के लिए. लिटरली कुछ नहीं होता है. जब मुझे बाहर जाना होता है तो मेरे पास कुछ नहीं मिलता है पहनने के लिए. मैं हमेशा वार्डरोब के सामने देखती हूँ क्या पहन के जाऊँ. लाइक सच में ऐसा होता है और सबके साथ, मेरे साथ नहीं सारी गर्ल्स के साथ ही ऐसा होता है. तो अभी हमने ऊपर वाला कंपार्टमेंट कंप्लीट खाली कर दिया है. इसके बाद में मैं पहले सारी चीज़ें सेटअप कर लेती हूँ कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है. हमारे जो नीचे वाले और भी कंपार्टमेंट हैं इन सबको हम इजीली लाइक बाद में हम इनको ऑर्गेनाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंग. तो मैंने सारे कपड़े बाहर निकाल लिए हैं. अब मैं पहले जींस जो है मेरी उनको सबको अलग करूंगी. कौन से कपड़े कहाँ पे क्या रखने हैं, कौन सी चीज़ें रेगुलर यूज़ की है, कौन सी मेरी पार्टी वेयर है और कौन सी मेरी ऑफिस की है, वो सारी चीज़ें मैं अलग करके उसके बाद में मैं मेरे टॉप्स को और नीचे वाले जो कंपार्टमेंट्स हैं उन सबको क्लीन करूँगी. कहीं बाहर वगैरह जाना हो तो नॉर्मल मैं पहन सकती हूँ और ये मेरी ऑफिस वेयर की जींसें हैं जो मैंने अलग रखी हैं ताकि मैं इजीली इनको सबको ढूंढ पाऊँ. अब हम चलते हैं हमारे टॉप्स की तरफ. सबसे फेवरेट पार्ट लाइक मुझे टॉप्स बहुत ज़्यादा पसंद है. जो बेसिक टी शर्ट्स होते हैं वो सारे इसके साथ में मैं रखने वाली हूँ ताकि वो इजीली मुझे मिल सके. इसके ऊपर मैंने मेरी टी शर्ट को अच्छे से रख दिया है एकदम सही से प्रॉपर वे में. इसके बाद में इसके साइड में हम रखने वाले हैं लाइक हम यहाँ पे हम रखेंगे हमारे जो कम पहनने वाले कपड़े हैं. लाइक मेरे जो न्यू जींसेज हैं उनको मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ इसके साथ में और कुछ जींस को मैं नीचे रखूँगी. लाइक जो मैं बहुत ही ज़्यादा कम वेयर करती हूँ वो जींसेस को मैं नीचे रखूँगी. सो ओके गाइज, हमने हमारी जींसें ऊपर वाले कंपार्टमेंट में सेट कर दी थी. इसके बाद में हम इस वाले जो ये मैंने कंपार्टमेंट अभी खाली किए इस वाले कंपार्टमेंट में हम रखने वाले हमारे जितने भी जो भी टॉप्स हैं
वो हम सब इसमें रखेंगे, और ऊपर वाले कंपार्टमेंट में थोड़ी जगह है तो मैं वहाँ पे मेरी जो बेसिक टी है, रेगुलर जो टीज, टॉप्स एंड टी शर्ट जो है मैं जो वेयर करती हूँ, उन सबको मैं ऊपर वाले कंपार्टमेंट में जींस के साथ में सेट करूँगी। इस वाले कंपार्टमेंट में मैं मेरे जो रेगुलर यूज़ वाले कपड़े नहीं है, लाइक टॉप हो गया या कोई और चीज़ें हैं, शॉर्ट्स वगैरह हैं, स्कर्ट्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसमें सेट करने वाली हूँ। सो पहले तो मैं अपने जो एक बैग है मेरे पास में, जिसमें से मैं ये सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ, उसके बाद में मैं इसमें इसे सेट करूँगी। रेगुलर वाले टॉप्स नहीं है वो सारे मैंने इसमें रख दिया, और मैं इसको ऐसे सेट कर दूँगी यहाँ पे ताकि ये फैले नहीं, इधर उधर ना हो कपड़े, और इजीली मुझे विजिबल भी हो जाए कि लाइक मैंने क्या क्या इसमें रखा है। उसके बाद में सबसे नीचे वाले कंपार्टमेंट में भी कुछ कपड़े हैं जिसको हम निकाल के इनको सेट करने वाले हैं, और बाकी के जो बचे हुए कपड़े हैं उन सबको हम ऊपर सेट कर देंगे। जल्दी जल्दी काम करते हैं। वाले कंपार्टमेंट को जैसे जैसे खाली किया था वैसे वैसे एज इट इज मैंने रख दिया है वापस, क्योंकि इसमें ऐसे कोई कपड़े नहीं थे जो निकालूं या वापस रखूं, तो ये ऐसे कैसे पैक हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद मेरी जो एक्स्ट्रा जींस थी मैं इसके ऊपर ये सब रखने वाली हूँ, ताकि वो इधर उधर ना भटके और पता रहे मुझे कि इसके अंदर वो जींस रखी हुई। इस वाले कंपार्टमेंट को भी सोच रही हूँ सेट कर दूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें थी, कुछ चीज़ें मैंने इससे शिफ्ट कर दी है नीचे वाले कंपार्टमेंट में। अब मैं सोच रही हूँ जो मेरी पुरानी जींसेज है उसको मैं इसमें रख देती हूँ, ताकि वो कम यूज़ हो। सबसे ज़्यादा जो कंपार्टमेंट यूज़ होने वाला है वो सबसे ऊपर वाला है, तो मैं उसमें अपनी जो टी शर्ट्स हैं उसको मैं वहाँ पर रख देती हूँ, तो ईजी रहेगा मेरे लिए चीज़ों को फाइंड करना। सो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो मैंने मेरे वॉर्डरोब को कंप्लीट कर लिया है, अच्छे से उसको सेट कर दिया है, मुझे इजीली सारी चीज़ें मिल सके उस चीज़ के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें सेट कर दी है। इसमें अभी मैंने आपको दिखाया नहीं है क्या है, इसका भी अलग से ब्लॉग बनाएंगे, इसमें भी आपको दिखाएंगे क्या है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे सारी मेरी रेगुलर वाली जींसेज और ऑफिस की जो जींस है वो रखी है। यहाँ पे मेरी बेसिक टीज है जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ, अभी मैं कल बाहर जाने वाली हूँ उसके लिए मैंने अलग से ड्रेस निकाल के रख दी है यहाँ पे। उसके बाद में उससे नीचे वाले जो कंपार्टमेंट है, इस वाले कंपार्टमेंट में, सेकंड वाले में, इसमें मैंने मेरी पुरानी जींसेस और कुछ जो चीज़ें यूज़ कम आती हैं वो सारी चीज़ें रखी है। उससे नीचे वाले में मैंने मेरे सारे टॉप्स, और सबसे नीचे में कम पहनने वाली ड्रेसेस जो होती है, लाइक शॉर्ट्स वगैरह हो गए या हमारी स्कर्ट्स हो गई, जंप सूट वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी है। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट वीडियो जिसमें आपने देखा मैंने कैसे मैं अपने वार्डरोब को मेकओवर किया है, इसको कैसे चेंज किया है, कैसे अपनी चीज़ों को संभाल संभाल के रखा है।
तो आप इस टाइप के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। उसी के साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ में आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस वीडियो को बना सकूं। सो स्टे ट्यून एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।